पार्ट 3 पौधों का भोजन। याद आया कुछ? इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और पौधे के अंदर भोजन बनाने का कार्य करती है पत्तियां। इसलिए हमने इस चैप्टर में पत्तियों की संरचना, ये एक टॉपिक क्लियर पढ़ लिया था। पौधे की संरचना मैंने आपको चित्र बनाने को दिया था। दूसरा टॉपिक हमारा था इस चैप्टर का पत्तियों में भोजन निर्माण की क्रिया। पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि किस तरह से पत्तियां भोजन बनाती है, हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में। वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में जो पत्तियां भोजन बनाने का काम करती है उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। उस क्रिया के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। थर्ड हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं पौधों द्वारा भोजन का उपयोग। पौधों द्वारा भोजन का उपयोग, ये तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का। हमें क्या पता है इसमें जो पौधे भोजन तैयार करते हैं ना, जो भी खाना की पत्तियाँ बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, उसका भोजन, उस बने हुए भोजन का पौधा क्या प्रयोग करता है, क्या उपयोग करता है, उससे क्या करता है, ये पढ़ेंगे इसमें। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन तने द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है। जब पत्तियाँ भोजन तैयार कर लेती हैं तो वो भोजन जो तना और जो शाखाएँ होती हैं ना, उनके द्वारा जो पत्तियाँ हैं, इन्होंने भोजन बनाया, ये पत्तियों से भोजन शाखाओं और शाखाओं से तने हर जगह पे ये भोजन तैयार किया हुआ जो है वो पहुँच जाता है, सारे भागों को दे दिया जाता है तैयार करके, खाना बना के, भोजन बना के। ठीक है, भोजन द्वारा पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस भोजन से पौधे को क्या मिलती है, शक्ति, ताकत। जैसे हमको भोजन खाने से ताकत मिलती है, सेम ऐसे ही पौधों को भी उस भोजन का प्रयोग करके शक्ति, ऊर्जा, ताकत प्राप्त होती है और वो बड़ा होता है, विकसित होता है। पौधे की वृद्धि और फूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन का प्रयोग किया जाता है। कभी जैसे आपको टहनी टूट गई है या कुछ भी टूट फूट जब होती है पौधे के अंदर, तो वो भोजन है उससे वो टूट फूट जो है वो पूरी हो जाती है, मरम्मत हो जाती है। जैसे हमको कभी चोट लग जाती है देखते, लेकिन थोड़े दिनों बिल्कुल हमारे को चोट ठीक हो जाती है ना, क्योंकि हम खाना खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है, तो चोट ठीक हो जाती है। सेम ऐसे पौधों के अंदर जो टूट फूट हो जाती है वो मरम्मत का काम उस भोजन के द्वारा हो जाता है। पौधे भोजन को अपने लिए उपयोग करने के पश्चात अतिरिक्त भोजन को संचित कर लेते हैं। जब पौधा भोजन का उपयोग कर लेता है तो जो एक्स्ट्रा भोजन बन जाता है, हम तो उसको क्या करते हैं, बाहर गाय को फेंक देते हैं, लेकिन पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा भोजन बनता है वो इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, इकट्ठा, उसको वो कर लेता है। अब देखेंगे कहाँ पर इकट्ठा करता है, सेकंड टॉपिक में, वो भोजन समय, पौधों का भोजन समय। पत्तियों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन पौधों की आवश्यकता से अधिक होता है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा में बना लेती है पत्तियाँ, तो क्योंकि पत्तियाँ जब ये एक्स्ट्रा में भोजन बना लेती हैं तो उपभोग के बाद में बचा हुआ भोजन पौधे अपने विभिन्न भागों में भविष्य के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको खाकर अन्य जीव जंतु जीवित रहते हैं। पौधे के बचे हुए भोजन का अधिकांश भाग पत्तियों में, फलों में, तनों में, जड़ों में, बीजों में इकट्ठा हो जाता है। सरल सरकरा मांड में बदलकर जटिल बन जाती है, और जैसे शकरकंद में मांड संग्रह, जड़ में, मक्का में मांड का संग्रह, उसकी पत्तियों में होता है। क्या होता है, जो भोजन एक्स्ट्रा बन गया ना, वो एक्स्ट्रा भोजन कई बार पत्तियों में इकट्ठा हो जाता है, या फिर तने में इकट्ठा हो जाता है, या फिर उस पौधे की जड़ में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो पौधे का फल है उसमें वो एक्स्ट्रा भोजन जाकर के इकट्ठा हो जाता है, या बीजों में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है। समझना है, पौधे में बना हुआ जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो उसकी पत्तियों, जड़ों, उसके जो भी भाग हैं, जड़, तना, फूल, फल, पत्तियाँ, उनमें जाके वो भोजन इकट्ठा हो जाता है और उसको फिर हम यूज़ करते हैं, फल तोड़ के खा लेते हैं। तो पत्तियों के द्वारा बनाया हुआ भोजन जो है पौधे के द्वारा बनाया हुआ भोजन होता है, और उस भोजन को हम फिर उसके बाद में हम लोग या जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो खाते हैं, या फिर हम उसको उपयोग में ले लेते हैं। तो एक तरह
पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन आम में लेते हैं, उसके द्वारा बनाया गया भोजन खाते हैं। समझ आया? पत्तियों में मांड का परीक्षण, पत्तियों के अंदर मांड, मांड किस प्रकार बनता है उसका परीक्षण देखेंगे। और फिफ्थ में, कुछ समय तक धूप में रखिए पौधे की हरी पत्ती लीजिए, इसमें मांड बन चुका होगा। पहले इसके 5 मिनट तक पानी में उबालें, इसके बाद एल्कोहल में उबालें। इसकी पत्ती का रंग उड़ जाता है। पत्ती को पानी में धोकर कांच के सफ़ेद प्लेट पर रखकर इसमें आयोडीन की घोल की 2 बूंदें डालें। हम देखते हैं कि पत्ती का रंग नीला हो जाता है, इससे पता चलता है कि पत्ती में मांड है। मांड मतलब पौधे के द्वारा बनाया गया भोजन। पौधे ने जो भोजन बनाया वो कहाँ चला जाता है? हर जगह चला जाता है। कैसे पता चलता है? इसके लिए प्रयोग किया गया है। इसके लिए क्या प्रयोग किया गया? आप एक पत्ती लीजिए, पहले उसको आप धूप में रख दीजिए, उसके बाद उसको आप पानी में उबालो। पहले थोड़ी देर पानी में उबालने के बाद में एल्कोहल के अंदर आप उसको उबालिए, उसके बाद में आप उस पत्ती को धो के एक प्लेट में रखो और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन, आयोडीन का नमक भी होता है, आयोडीन का घोल मार करके उसमें डालिए, तो आप देखेंगे कि पत्ती नीली पड़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि उस पत्ती के अंदर मांड था। मांड मतलब भोजन, एक्स्ट्रा जो भोजन था वो पत्ती के अंदर था, इससे पता चलता है।